हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिविल बॉडी में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं, आज हम मिलने वाले हैं, आज के इस वीडियो में हम इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि आज हमारा लास्ट जो टॉपिक है आरसीसी का, वो हम कंप्लीट करना चाहते हैं। बीच में 2 दिन क्लास नहीं हो पाई थी किसी वजह से, लेकिन अब हमारी ये फाइनल क्लास है, उसके बाद में हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज की जो क्लास रहेगी, आज हम बात करने वाले रेनफोर्स्ड जो ब्रिक वर्क होता है, आरबी वर्क, उसके बारे में और वाटर टैंक्स के बारे में। ठीक है, तो आज का जो सेशन है उस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ अमित सिंह भदौरिया, ये है हमारी लास्ट क्लास आरसीसी की। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम जो कर रहे हैं क्वेश्चंस वगैरह के बारे में प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं आगे चल के, उसके लिए थ्योरी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी लगभग थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी आज के लेक्चर में, फिर हमारा काम होगा क्वेश्चंस का यानी प्रैक्टिस का, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। चलिए, तो पहला जो टॉपिक है आज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ आपको, वो है रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क। देखो पहला काम तो क्या करना है आपको, पहला काम तो ये करना है कि आपको टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर दोनों पर एक मैं पिक्चर भेजने वाला हूँ आरबी वर्क की, कि आरबी वर्क एक्चुअल में कैसा होता है देखने में। ठीक है, उसको आप देख लेना वहाँ से। बाकी एक्चुअल में अगर आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना है कि आरबी वर्क होता कैसा है, तो आप ये समझ सकते हैं एक्चुअल आरबी वर्क में ये होता है, आपने स्लैब देखी, नॉर्मल स्लैब, जो नॉर्मल स्लैब होती है उस नॉर्मल स्लैब में 2 चीज़ें होती हैं। क्या क्या होती हैं? एक तो होता है रेनफोर्समेंट होता है, और एक क्या होता है, कॉन्क्रीट होता है। अगर मैं एक काम करूं, ये जो स्लैब बनाई है आपने, स्लैब बनाई है, इसमें से ये जो कंक्रीट है ना, इस कंक्रीट को हटा देता हूं और इसकी जगह मैं क्या लेके आ जाता हूं, ब्रिक। अगर मैं ब्रिक लेके आ जाता हूं, तो ये जो वर्क हो गया ना, अब जो स्लैब बनने वाली है ना, इसी स्लैब को मैं क्या बोल दूंगा, रेनफोर्स ब्रिक वर्क बोल दूंगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ आरबी वर्क जो होता है, और एक चीज मैं बताऊँ, आरबी वर्क है ना, आरबी वर्क, इस आरबी वर्क किसे बोलते हैं, रेनफोर्स ब्रिक वर्क को आरबी वर्क बोलते हैं। और ये क्या है, जो आपका आरआरबी का पेपर हुआ था ना, आरआरबी जेईई हो ना लास्ट ईयर, उसमें ये पूछ लिया था, फुल फॉर्म भी पूछ लिया, आरबी वर्क की फुल फॉर्म क्या होती है, यही पूछ लिया था उन्होंने। ठीक है ना, तो आरबी वर्क कब बोलेंगे, जब आप क्या करो, कॉन्क्रीट जो है आप यूज ले रहे थे, उस कॉन्क्रीट की जगह पर आप ब्रिक यूज में लेने लग जाओ, ब्रिक्स काम में आएंगी। यानी कि आरबी वर्क में क्या क्या काम में आता है, एक तो रेनफोर्समेंट काम में आता है और ब्रिक काम में आती है, 2 ही चीजें काम में आती हैं। ठीक है, तो पहला तो क्वेश्चन ये बनता है कि काम में कहाँ आते हैं, कब काम में लेने हैं ये, तो आरबी वर्क इज यूज्ड फॉर स्मॉल स्पान एंड लाइट वेट। अगर आपके लाइट वेट है कहीं पर भी, ज्यादा लोड नहीं आ रहे, हैवी लोड्स नहीं है, स्मॉल है स्पान आपका, तो उस केस में आप ये यूज में ले सकते हैं। पहली बात, कहाँ यूज में लेना है ये समझ में आ गया, लगभग लगभग कैसा होता है ये भी समझ में आ गया, लेकिन इसका सेक्शन वगैरह कैसा क्या होता है ये भी अगर पता हो तो याद करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो देखिए, सेक्शन बनाने की कोशिश करता हूं मैं, अगर बन जाता है भगवान की दया से तो चलिए, लग तो रहा है कि बन जाएगा, हाँ लग रहा है बन जाएगा। देखो क्या होता है, इस तरह का मैंने सेक्शन बनाया, इस सेक्शन में बीच में क्या है, ऐसे गैप्स छोड़े जाते हैं। ठीक है, और अभी मैं आपको बता भी दूंगा एक्चुअल में क्या है, और मान लीजिए आगे तक एक्सटेंड हो रही है स्लैब, ऐसा मान लीजिए। अब देखो, जिस चीज को मैं यहां पे हैच कर रहा हूं वो तो है ब्रिक्स, ये ब्रिक्स हैं यहां पर, इस वाले पार्ट में ब्रिक्स हैं। ठीक है, जो मैं हैच करके बना रहा हूं इस वाले एरियाज में, ये क्या है, इनमें ब्रिक्स भरी हुई है। ठीक है, जो रेड वाला मैंने ब्लैंक छोड़ा है उसमें क्या होता है एक्चुअल में, उसमें रेनफोर्समेंट होता है। क्या होता है रेनफोर्समेंट, ऐसे यहाँ रेनफोर्समेंट लगा हुआ होगा बॉटम में, ऐसे यहाँ पर रेनफोर्समेंट लगा हुआ होगा। ठीक है ना, तो ये जो ब्लैक कलर के डॉट से दिखाया है ना मैंने, ये आपका मेन रेनफोर्समेंट क्या है, मेन रेनफोर्समेंट है। और जो बाकी का एरिया होगा, अब उसमें क्या करना होगा आपको, क्या करना होगा, अब मैं दूसरे कलर से हेचके से बता रहा हूँ, ये ऑरेंज कलर से, ये इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, नॉर्मल मोर्टार होगा, सीमेंट मोर्टार, इसमें क्या फिल किया गया होगा, सीमेंट मोर्टार। तो इसमें क्या फिल किया है, सीमेंट मोर्टार है। जनरल जो प्रोपोर्शन होता है 1:3 या फिर 1:2 हम लेके चलते हैं। ठीक है ना, 1:3 या 1:2 लेके चलते हैं।
अब और क्या है इंपॉर्टेंट समझने लायक चीज ये हो सकती है कि सर आपने मेन रेनफोर्समेंट बता दिया, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ नहीं कहा। तो एक्चुअल में मेन रेनफोर्समेंट बॉटम में, और इसके ऊपर क्या होता है, एक रेनफोर्समेंट ऐसे बिछाया जाता है जिसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट। बॉटम में इस तरह से क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत आइडिया दे रहा हूँ मैं, है होता क्या है, मामला क्या है, क्योंकि ये टॉपिक हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जिन्होंने पहली बार ये पढ़ रहे हो या पहली बार सुना हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। अब देखो, अब बात कर लेते थिकनेस के बारे में, क्योंकि थिकनेस जो है कितनी होनी चाहिए, कितनी होती है, इसके बारे में भी आइडिया होना चाहिए। तो जनरल जो थिकनेस है इसकी, स्लैब की जो थिकनेस है कितनी रखी जाती है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। लेकिन इसकी थिकनेस क्या वेरी भी कर सकती है, कितनी ये होती है, 10, 15, 20, 25 ऐसे सेंटीमीटर में चलती है, यानी कि 5 के मल्टीपल में होती है जनरली। ये जनरली 5 के मल्टीपल में होती है। ये जनरली 5 के मल्टीपल में ही क्यों होती है, कोई बताएगा, जनरली 5 के मल्टीपल में ही क्यों होती है? ये जनरली 5 के मल्टीपल में इसलिए होती है क्योंकि हम जानते हैं जो ब्रिक होती है ना, ब्रिक, उस ब्रिक का साइज क्या होता है, ब्रिक का साइज होता है 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हो आप, सेंटीमीटर में होते हैं सारे। और जो टाइल होती है, ब्रिक टाइल है ना, ब्रिक टाइल, उसकी साइज क्या होती है, उसकी साइज भी होती है 20, 10 और 5 सेंटीमीटर क्यूब में लिख लो, क्योंकि सारे सेंटीमीटर में। तो इनके अगर साइज देखते हो आप, थिकनेस कितनी, 10 और 5 है, तो यानी 10 और 5 15 कर सकते हो, 15 और 5 20 कर सकते हो, 20 में 5 जोड़ो 25 कर सकते हो। तो इस तरह से चलेगी थिकनेसेस। इस कारण से जो थिकनेस है वो 5 के मल्टीपल में ही होती है ना, समझ में आ रहा है, ये किया जाता है। अब आप ये अगर सोच रहे हो कि ब्रेक का जो साइज होता था 99 होता है सर, अरे मोर्टार ऐड करने के बाद इतना ही तो हो जाता है, आफ्टर मोर्टार ऐड करने के बाद में कितना हो जाता है वो लिखा है मैंने, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो अगर यहाँ आप देखो यहाँ पे, तो जैसे मान लीजिए आपको, अगर मान लीजिए आपका मन बदल गया और आपको आपने क्या किया कि आपको ब्रिक टाइल दोनों लेनी है, तो क्या कीजिए, दो लेयर बनाइए, एक लेयर लीजिए उसमें पूरी की पूरी लेयर में तो ब्रिक्स ले लीजिए, और ऊपर वाली एक लेयर लीजिए उसमें किसको ले लीजिए, अब ब्रिक टाइल को ले लीजिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर तो ऊपर वाले का, 10 सेंटीमीटर का, तो कहीं ना कहीं 15 सेंटीमीटर की अब आप स्लैब रेडी कर सकते हो, समझ में आया। तो अगर 15 सेंटीमीटर बनानी है तो आप में उसमें ब्रिक टाइल यूज में ले लो, ब्रिक यूज में ले लो, दोनों यूज करके फिर आप बना लो, ठीक है। अब देखिए, अब एक और एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, ठीक है, समझ में आ गई। ये जो मोर्टार है, ये मोर्टार का जो जॉइंट है, मतलब कि ये गैप है, ये गैप कितना होता है, ये गैप 20 mm, यानी 20 mm 2 सेंटीमीटर, ये 20 mm से वेरी करता है, कहां तक जाता है, ये 40 mm तक जाता है, 40 mm तक जाता है, लेकिन 20 mm तो कम से कम करना ही पड़ता है, इतना तो मिनिमम होता है, 20 mm ये मिनिमम है और 40 mm तक जाता है। 40 mm कब प्रोवाइड करते हैं, जब आपको क्या है, ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी हो, बेंडिंग मूवमेंट की जो वैल्यू है वो हाई आ रही हो, आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो हाई चाहिए हो, मतलब कि स्ट्रेंथ बढ़ाने के केस में, या बेंडिंग मूवमेंट जब ज़्यादा आ रहे हो, ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ चाहिए, उस केस में आप ये 40 mm तक चले जाते हो। लेकिन ध्यान रखना, मिनिमम आपको 20 mm का ये गैप प्रोवाइड करना ही होता है, 20 mm का ये जॉइंट होता है, ये कह सकते हो आप, जॉइंट की जो थिकनेस है वो कितनी है, 20 mm, 20 mm है। ध्यान रखना, ब्रिक्स जो हम बनाते हैं, ब्रिक्स में हम कितनी लेके चलते हैं, 10 mm, लेकिन यहाँ पर 20 mm है, ये इंपॉर्टेंट बात है थोड़ी, ठीक है। चलिए, अब जो रेनफोर्समेंट यूज में लेना, उसका डाया क्या होगा, डाया ऑफ रेनफोर्समेंट, जो रेनफोर्समेंट काम में ले रहे हैं उसका डायमीटर कितना होगा, तो ये रेनफोर्समेंट का डाया 12 mm से ज्यादा नहीं होगा। अब यहां पे लिख सकते हो आप, ट्राई करते हैं, हम ट्राई करते हैं स्मॉलर जो डायमीटर्स हैं उन डायमीटर्स को लें, हम ट्राई करते हैं कि हम स्मॉलर डायमीटर लें। जैसे मान लीजिए आप एक 10 mm का डाया प्रोवाइड कर सकते हैं, 8 mm का, तो किसका आप ट्राई करेंगे प्रोवाइड करना, 8 mm का, मतलब स्मॉल स्मॉल डायमीटर के नंबर ऑफ बार जो हैं ज्यादा प्रोवाइड करने की हमारी कोशिश रहती है, ध्यान रखना इस कंस्ट्रक्शन में। इसमें क्या होता है, स्मॉल डायमीटर वालों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है एज कंपेयर टू मोर डाया या बड़े डायमीटर्स वाले बार के, बात समझ में आ रही होगी। डिप्लोमा वालों को भी पढ़ना है ये वाला टॉपिक, तो कोशिश कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे आराम से पढ़ाऊँ, ठीक है ना। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो बता देना, मैं वापस से रिपीट कर दूंगा, ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मैं बता दूंगा, फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। बात समझ में आ गई, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपको बता दी हैं। अब देखिए, बार की मैंने बता दी, बार कितनी होगी, है ना, स्पेस मैंने बता दिया, साइज क्या होगी, थिकनेस क्या होगी, और जो टाइल्स वगैरह हैं या ब्रिक वगैरह उसकी साइज वगैरह क्या होगी। अब देखो, अब बात कर ले तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की जो फिक्स पॉइंट हैं या आपको याद रखने हैं। जैसे कि हाँ, एक चीज़ और, ये 12 mm वाला जो कंसेप्ट है ना हमारा, 12 mm का ये डायमीटर ऑफ द रेनफोर्समेंट मैंने बताया किसमें, आरबी वर्क में, किसका बताया मैंने, आरबी वर्क का, ये आरबी वर्क का बता रहा हूँ मैं, है ना।
और सेम यही कंसेप्ट क्या है लिंटेल में भी चलता है। अगर आप लिंटेल बना रहे हो तो लिंटेल में भी 12 mm से आप ज्यादा प्रोवाइड नहीं करते हो रेनफोर्समेंट, तो लिंटेल में भी यही होता है, तो ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट है। अब देखो कुछ पॉइंट्स है फिक्स, जैसे कि परमिसिबल स्ट्रेस इन ब्रिक यानी सिग्मा सीबीसी जो होता है, सिग्मा सीबीसी कितना होता है, तो सिग्मा सीबीसी क्या है जनरली ये 2 MPa से 3 MPa तक वेरी करता है, 2 MPa से 3 MPa के बीच में होता है। बट अगर आपके पास में कोई भी डेटा नहीं है, नो डेटा मतलब आपके पास एब्सेंस है, डेटा नहीं है, तो उस केस में आप सिग्मा सीबीसी कितना लोगे, तो उस केस में आप सिग्मा सीबीसी अज्यूम करोगे 2.5 MPa। ये हम डिजाइनिंग के टाइम पर अज्यूम करेंगे, तो एग्जाम में पूछ सकता है कि आप सिग्मा सीबीसी यानी कि जो आपका परमिसिबल स्ट्रेस आने वाला है ना, परमिसिबल स्ट्रेस जो आएगा, इस परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी लेकर चलेंगे डिजाइनिंग में, तो हमारा आंसर क्या होगा 2.5 MPa, हमारा आंसर होगा 2.5 MPa हम लेकर चलेंगे आरबी वर्क में, ठीक है। इसके अलावा मॉड्यूलर रेशियो कितना मानते हैं हम आरबी वर्क में, मॉड्यूलर रेशियो स्मॉल एम जो मैंने पढ़ाया था वो इसमें हम लेके चलते हैं 40, ये भी फिक्स है। तो सिग्मा सीबीसी 2.5 MPa और मॉड्यूलर रेशियो कितना लेके चलेंगे 40 लेके चलेंगे, 40 लेके चलेंगे। अब बात कर लेते हैं परमिसिबल डायगोनल टेंशन की या शेयर की बात कर लेते हैं कि शेयर स्ट्रेस जो होते हैं उन शेयर स्ट्रेस की वैल्यूज क्या क्या होगी। तो शेयर स्ट्रेस अलग अलग होते हैं ना, एक तो डायगोनल टेंशन होगा, डायगोनल टेंशन, तो डायगोनल टेंशन जो होता है डायगोनल टेंशन की जो वैल्यू होगी वो 0.7 या 0.07 MPa में लिख देता हूँ, MPa टू 0.14 MPa तक होगी, ठीक है ना। ये वैल्यू इतनी वेरी करती है डायगोनल टेंशन की, 0.07 MPa से 0.14 MPa वेरी करती है। और अगर मैं डायरेक्ट टेंशन की बात करूँ, किसकी बात करूँ, डायरेक्ट टेंशन की, डायरेक्ट टेंशन, तो भैया ये डायरेक्ट टेंशन में जो वैल्यू है ये 0.1 MPa होती है, परमिसिबल वैल्यूज बता रहा हूँ, इतनी इतनी परमिसिबल वैल्यूज होती हैं, 0.1 MPa होगी परमिसिबल वैल्यू। लेकिन एक बात नोट करने वाली है, एक बात क्या नोट करने वाली है, एक बात ये नोट करने वाली है कि अगर मान लीजिए आपके स्ट्रेस की वैल्यू, शेयर स्ट्रेस की वैल्यू जो है वो एक्सीड कर जाती है यानी कि बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है 0.3 MPa से, तो उस केस में आपको सेक्शन को रीडिजाइन करना होगा, अगर आपके 0.3 से वैल्यू क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आप ध्यान रखना कि रीडिजाइन करना होगा उस केस में, ठीक है। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वो बातें चल रही हैं जो एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है यानी ये जो टॉपिक है RCC का, ये वो टॉपिक है जो आज तक कभी पूछे नहीं जाते हैं या बहुत कम पूछे जाते हैं, तो वही चीज़ें पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेस की बात करूँ, परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस कितना होगा, तो परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस होगा 6 kg/cm². अगर मैं बात करूँ बॉन्ड स्ट्रेस की, लोकल बॉन्ड स्ट्रेस होता है जिसे हम फ्लेक्सर के काम में लेते हैं, उसमें कितना होता है, उसमें होता है आपका 12 kg/cm², ठीक है ना, आप चेंज भी कर सकते हो यूनिट्स को। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो ये दोनों पॉइंट पूछे नहीं जाते हैं जनरली, लेकिन मैंने लिखवा दिए, ऊपर वाले जो पॉइंट थे वो पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट की, जो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट वो कितना प्रोवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट, तो जनरली जो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है वो प्रोवाइड किया जाता है 0.15% ऑफ सेक्शनल एरिया, जो सेक्शनल है वो सेक्शन बनेगा उस सेक्शन एरिया का, ग्रॉस एरिया का 0.15% प्रोवाइड करते हैं। या फिर अगर आपका बेंडिंग मोमेंट वगैरह की जो मतलब बेंडिंग है, बेंडिंग का केस हो, बेंडिंग अगर ज़्यादा आ रही हो तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली 20% ऑफ मेन रेनफोर्समेंट का प्रोवाइड कर देते हैं। ध्यान रखना दोनों स्टेटमेंट अलग अलग, कन्फ्यूज मत होना, ऊपर वाला स्टेटमेंट तो है ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया का 15% और ये आपका मेन रेनफोर्समेंट है उसका 20%। ये दोनों केसेज होते हैं जो हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, हाँ, और डीप वी वगैरह क्या होते हैं और परमिसिबल वैल्यूज क्या क्या होती है, ये है ना, एल अपॉल डी रेशियो क्या होता है, ये सारे मैंने ऑलरेडी कवर करवाए हुए, अगर आपने वीडियो नहीं देखे देखना, और कोड जो है अपना उस कोड का वीडियो जरूर देखना, कोड अगर नहीं देखा है तो कोड का वीडियो जरूर देखना। चलो अब सेकेंड पॉइंट की बात कर लेते हैं, वाटर टैंक। देखो वाटर टैंक है ना, अगर वाटर टैंक के टाइप्स की बात करें तो टाइप का ऐसा कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं कि कितने टाइप का वाटर टैंक होता है। फिर भी अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो अलग अलग क्लासिफिकेशन है, एक तो हो सकता है शेप के बेसिस पर,
है ना, और एक हो सकता है सिचुएशन के बेसिस पर, यानी कि कहाँ आप टैंक प्रोवाइड कर रहे हो, जगह होती है ना, प्लेस है। जैसे मान लीजिए हो सकता है आप किसी हाइट पर प्रोवाइड कर रहे हो, हो सकता है डायरेक्टली आपका ग्राउंड में रेस्ट कर रहे हो, तो ये क्या अलग अलग पॉइंट्स पर डिपेंड करता है कि आप कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं ना। तो क्लासिफिकेशन की अगर आप बात करें तो क्लासिफिकेशन अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो आप कह सकते हो हेड्स के ऊपर आप लिख सकते हो, है ना, शेप के ऊपर, हेड के ऊपर, है ना, कितना हेड है उसका, कहाँ प्रोवाइड कर रहे हो। अगर मैं बात करूँ हेड के ऊपर बात करूँ तो ये तीन टाइप का होता है, हेड के ऊपर बात करूँ तो तीन टाइप का होगा। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है कि रेस्टिंग ऑन ग्राउंड, है ना, ग्राउंड पर रेस्ट कर सकता है, हो सकता है एलिवेटेड हो, है ना, एलिवेटेड एलिवेशन पर प्रोवाइड किया हुआ हो, या हो सकता है अंडरग्राउंड हो, है ना, कहीं पर हो सकता है, जमीन के अंदर हो सकता है, जमीन के ऊपर हो सकता है, और जमीन से किसी हाइट पर हो सकता है। शेप्स की बात करें तो शेप में भी अलग अलग होते हैं, शेप में भी अलग अलग होते हैं। जैसे आपके सर्कुलर हो गया, है ना, सर्कुलर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, और आपके इंच टैंक हो गया, स्फेरिकल हो गया, सर्कुलर विद कॉनिकल बॉटम हो गया, तो चार पांच होते हैं। तो अलग अलग टाइप होते हैं इसके वाटर टैंक के, जो इतने कोई खास मतलब का है नहीं। अब जो मतलब की बातें हैं वो कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वाटर टैंक में। देखिए पहला जो इंपॉर्टेंट काम है वो तो है कोड का, कि कौन सा कोड है जिसको आपको फॉलो करना है। RCC का 456 तो है, इसके अलावा स्पेशली कोड कौन सा है? तो स्पेशल कोड है आपका IS 3370। इसके टोटल कितने पार्ट्स हैं? इसके फोर पार्ट्स हैं। टोटल कितने? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 4, पार्ट, ऐसे तरह से चार चार पार्ट दिए हुए हैं। तो इस ये जो कोड है इसमें पता चलता है कि वाटर टैंक की जो डिजाइनिंग वगैरह है, यानी लिक्विड स्टोरेज के लिए, बेसिकली है कि लिक्विड स्टोरेज कैसे होता है, उनके लिए बनाया गया ये। ठीक है, इसके अलावा देखो एक एक करके बातें कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है इस डिजाइनिंग पर्पज से। आपसे पूछा जाता है कि परमिसिबल स्ट्रेसेस कितने होंगे स्टील में, इस पर्टिकुलर में परमिसिबल स्ट्रेसेस की बात आती है। तो परमिसिबल जो स्ट्रेसेस होते हैं स्टील में, उनके बारे में भी हमको पता होना चाहिए। तो लिख सकते हैं आप परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील। अब स्टील में भी दो हैं, माइल्ड और HYSD, जिसे टोर भी बोलते हो। तो माइल्ड में ये वैल्यू होती है 115 MPa, और HYSD में जो होती है 150 MPa होती है। ठीक है, 150 MPa होती है। तो ये आपको याद रखना है कि ये इसकी वैल्यू है, माइल्ड की तो 115 है और HYSD कितनी है, 150 है। तो परमिसिबल स्ट्रेस है माइल्ड स्टील में इतना होना चाहिए। इसके अलावा जो थ्योरी है, जिस थ्योरी पे ये वर्क करता है पूरा का पूरा सिस्टम, वो थ्योरी है नो क्रैक बेसिस। मतलब क्रैक नहीं आने चाहिए किसी भी केस में, क्रैक नहीं आने चाहिए, ये इस थ्योरी पर इस पर बेस्ड है ये। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है, जो आप यूज में लेने वाले हो RCC वर्क, RCC हम पढ़ रहे हैं तो कॉन्क्रीट काम में की, तो उसका वाटर सीमेंट रेशियो है W/C रेशियो, ये क्या है, ये लेस देन 0.5 होना चाहिए, लेस देन 0.5 होना चाहिए वाटर सीमेंट रेशियो इसके लिए। और कुछ बताएं? और कुछ देखिए एक पॉइंट और बताते हैं आपको, जो क्रैक्स की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम जो क्रैक विड्थ है, मैक्सिमम क्रैक विड्थ है डायरेक्ट टेंशन में या आप कह सकते हो फ्लेक्सर में, तो मैक्सिमम जो क्रैक विड्थ होती है वो मैक्सिमम क्रैक विड्थ शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.2 mm। इतने से ज़्यादा बड़ा क्रैक होना चाहिए, जबकि हम पहले कितना पढ़ रहे थे, 2 mm, 3 mm का हम क्रैक पढ़ रहे थे, 3 mm का क्रैक पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे 0.2 mm की बात की जा रही है। अब हम बात करते हैं परमिसिबल स्ट्रेसेज इन कॉन्क्रीट की, कि जो कॉन्क्रीट है कॉन्क्रीट में परमिसिबल स्ट्रेसेज कितने होते हैं। अब किसकी बात कर रहे हैं? कॉन्क्रीट की, तो कॉन्क्रीट में परमिसिबल कितने होते हैं, है ना, परमिसिबल जो स्ट्रेसेज हैं वो कितने होते हैं। तो कॉन्क्रीट में देखो आपके यहाँ पे अलग अलग केस बनते हैं, हो सकता है डायरेक्ट टेंशन हो, हाँ ये और बता रहा हूँ, परमिसिबल स्ट्रेस कॉन्क्रीट की बात तो कर ही रहे हैं लेकिन टेंशन में कितना होता है, टेंशन की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, ये टेंशन में कितना कितना स्ट्रेसेज होता है उसकी हम बात कर रहा हूँ। तो देखिए टेंशन में अगर आपको बात करना है तो एक्चुअल में ये आपको दो दो चीज़ें लिखनी होंगी, ऐसे लिखना होगा, पहले तो ग्रेड लिखो M20, M25, M30, और यहाँ लिखना होगा किस में, डायरेक्ट में, यहाँ डायरेक्ट में, ये डायरेक्ट टेंशन, और यहाँ लिखिए बेंडिंग, बेंडिंग, तो बेंडिंग टेंशन, डायरेक्ट टेंशन, डायरेक्ट टेंशन में इसकी वैल्यू होगी 1.2, ये आएगी वैल्यू 1.3, ये आएगी 1.5, इस तरह से यहाँ वैल्यू आएगी बेंडिंग में 1.7, 1.8, और 30 में आएगी वैल्यू 2। तो ये वैल्यूज हैं डायरेक्ट टेंशन की। लेकिन आपको पता है कि कॉन्क्रीट जो होता है वो टेंशन के लिए नहीं बना है, वो किसके लिए बना है, कंप्रेशन के लिए। तो कॉन्क्रीट में कंप्रेशन में कितनी वैल्यू होगी, परमिसिबल वैल्यू कॉन्क्रीट में, वो भी लिख लीजिए। तो वो होती है आपकी अलग अलग, वैसे लिख लीजिए पहले देखा था वैसे, M20, M25, M30, यहाँ पर लिख लीजिए आप सिग्मा CBC और सिग्मा CC। ठीक है,
तो सिग्मा सी बी सी बेंडिंग कंप्रेशन वाला जो हो गया 7 हो गया, 8.5 हो गया, 10 हो गया, और ऐसे ही फिर आगे चलता है। इसमें सी सी की बात करूँ M20, तो ये वैल्यू आती है 5, ये वैल्यू आती है आपकी 6, और ये आती है आपकी 8। इस तरह चलता है। 35 का लिखना चाहें तो 35 का भी लिख सकते हैं, ये आगे 11.5, और ये आपकी वैल्यू आएगी 9। इस तरह से होता है। ये सारी वैल्यूज किसमें, एम पी ए में, ध्यान रखना ये सारी वैल्यूज एम पी ए में हैं। ऊपर भी लिखवाया था वो भी एम पी ए में थी, ये भी एम पी ए में, सारी की सारी वैल्यू किसमें, एम पी ए में। ठीक है, तो ये परमिसिबल वैल्यूज होंगी, कि परमिसिबल वैल्यू कितनी कितनी होती हैं। अब देखो एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको जो मैं लिखवाने जा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीमेंट कंटेंट कितना होता है, सीमेंट कंटेंट जो है वो कितना होता है। तो देखो सीमेंट कंटेंट है, इसमें दो पॉइंट याद रखने हैं। सीमेंट कंटेंट शुड नॉट बी लेस देन, ये कम नहीं होना चाहिए 330 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से, बट ये ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा किससे नहीं होना चाहिए, 530 से, 530 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से। तो 200 का डिफरेंस है, 330 में 200 जोड़ो 530 आ जाएगा, इस तरह से याद रखना। और मिनिमम ग्रेड की भी बात कर लेते हैं कि मिनिमम ग्रेड कितनी होनी चाहिए, ग्रेड जो है कॉन्क्रीट की मिनिमम ग्रेड, तो मिनिमम जो ग्रेड है, ग्रेड की बात करते हैं, यहाँ पर भी दो पॉइंट बनेंगे, आरसीसी की मिनिमम ग्रेड और पीसीसी की। तो आरसीसी की जो मिनिमम ग्रेड है वो तो है 30 M30, और पीसीसी की मिनिमम ग्रेड क्या होगी, 20। तो M20 और M30 मिनिमम ग्रेड्स हैं जो आपको यूज में लेनी है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं रेनफोर्समेंट की, कि रेनफोर्समेंट है वो रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करते हैं इसमें। तो रेनफोर्समेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये रेनफोर्समेंट क्या, बोथ डायरेक्शन में प्रोवाइड किया जाएगा, दोनों तरफ एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में चलेगा। तो कितना प्रोवाइड करना है, तो ये डिपेंड करता है थिकनेस पर, कि आपकी थिकनेस कितनी है। तो देखो पॉइंट बनाता हूँ अलग अलग। पहला पॉइंट, बोथ डायरेक्शन में प्रोवाइड करना है, बोथ डायरेक्शन 0.3% अप टू 100 mm थिक, 100 mm थिकनेस है उसके लिए, 100 mm थिकनेस, और यहां पर लिख सकते हो माइल्ड स्टील। मतलब ये लिख सकते हो कि अगर माइल्ड स्टील है अपने पास में तो आपको 0.3% क्रॉस सेक्शन एरिया का इतना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होगा दोनों डायरेक्शन में। लेकिन कंस्ट्रेंट ये, रेस्ट्रेंट ये है कि 100 mm की जो थिकनेस होनी चाहिए, उसकी जो थिकनेस है आपके सेक्शन की वो 100 mm की होनी चाहिए। लेकिन जरूर थोड़ा 100 mm हो, ये थिकनेस क्या है, एक्सीड भी कर सकती है, बढ़ भी सकती है। तो मान लीजिए अगर आपकी थिकनेस है वो 100 mm से तो हो गई ज़्यादा थिकनेस टी, लेकिन ये कम है किससे, 450 mm से, 450 mm से कम है। अच्छा मुझे वो सिंबल दूसरा लगाना चाहिए, ये वाला सिंबल नहीं लगाना चाहिए, मुझे लगाना चाहिए कौन सा वाला सिंबल, ये वाला सिंबल, अब सही है। मतलब आपकी 100 से तो ज़्यादा है और 450 से कम है, तो उस केस में क्या होता है, मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करना चाहिए। तो एक इंपॉर्टेंट तो ये पार्ट ध्यान रखना, नोट कर लेना, कि जो रेनफोर्समेंट है ना वो लीनियरली वर्क करता है, लीनियरली वेरी होता है, लीनियरली वेरी करता है। लीनियरली का मतलब क्या है, कि अगर आप लाइन की इक्वेशन लिखेंगे, जैसे कि जैसे वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे कम होती है, बढ़ती है कम होती है, वैसा वाला सिस्टम है। तो देख लीजिए, लिख लीजिए कि अब यहां पर मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना होगा, 0.3% तो होता है किसके लिए, 100 mm के लिए, और 0.2% होता है किसके लिए, ये होता है आपका 450 mm थिक सेक्शन के लिए। तो जैसे जैसे सेक्शन थिक होता जाएगा, मोटा होता जाएगा, रेनफोर्समेंट उतना ही कम होता जाएगा। तो आपको भी पता है यार, सेक्शन जितना बड़ा होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है, उतनी कम आपको अलग से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए बाहर से मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी। तो 0.2% 450 में और 100 mm का है तो 0.3% है। अच्छा ये जो रेनफोर्समेंट है इक्वल दोनों तरफ चलता है, बोथ डायरेक्शन में चलता है, बोथ डायरेक्शन में सेम चलता है, ऐसा नहीं है कि एक डायरेक्शन में आपने कम दे दिया एक डायरेक्शन में ज़्यादा दे दिया, दोनों डायरेक्शन में सेम रेनफोर्समेंट चलता है, इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये किसके लिए थे, ये थे माइल्ड स्टील के लिए, किसके लिए थी, माइल्ड स्टील के लिए। अब नोट कर लेना, अगर आपके HYSD बार है या टोर स्टील है या HYSD है तो उसके इसमें कौन सा कितना रेनफोर्समेंट है, तो मिनिमम जो रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड करते हो उसके इसमें वो होता है 0.24%। पहले पॉइंट थ्री था, पहले पॉइंट थ्री था या नहीं था, अब यहाँ पे 0.24 आ गया 100 mm के लिए। लेकिन अगर ये थिकनेस वापस से बढ़ जाती है तो भाई याद रखना कि 0.16% हो जाएगा रेनफोर्समेंट किसके लिए, 450 mm थिकनेस के लिए। ठीक है, और ये लीनियरली वेरी करेंगे, लीनियरली वेरी करेंगे, इससे क्या समझना चाहिए, मतलब है क्या चीज़। अरे लीनियरली वेरी करेंगे इससे ये समझना चाहिए कि मान लो अगर आपको बोल दिया गया कि चलो बताओ 200 mm में कितना प्रोवाइड करेंगे, तो आप यहाँ पे एक्स मान लेना वैल्यू को, और क्या करना आप इसमें वो लगा देना
आपके बीच में जो किसी भी वैल्यू को अगर फाइंड आउट करना होता है ना, तो एक सिमिलर ट्रायंगल रूल लगा के आप तो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, ये देखना इनका डिफरेंस कितना है। जितना इनका डिफरेंस है, जिस तरह से वैल्यू इंक्रीज हो रही है, उसी तरह से यहाँ पर भी वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। इसका एक प्रॉपर मेथड भी होता है, मैथमेटिक्स में अलग से फॉर्मूले भी होते हैं, लेकिन ज़्यादा हमको जाना नहीं है। हमको सिर्फ जो काम का है वही हमको करना है, ठीक है ना। जितना काम का उतना ही हमको काम में लेना है, ज़्यादा हमको ज़्यादा आगे जाना नहीं है। चलिए अब एक पॉइंट यहाँ पे ये लिख सकते हो कि जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है वो एक लेयर में होगा, दो लेयर में होगा, या एक लेयर में दो लेयर में, पता कैसे चलेगा। तो याद रखना, अगर आपकी थिकनेस थिकनेस की वैल्यू इक्वल है या बराबर है 225 mm की, 225 mm, तो उस केस में क्या करना पड़ता है आपको, जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है वो दो लेयर में प्रोवाइड करना है। अगर 225 mm से कम है तो, 225 mm से कम है तो क्या करेंगे, एक लेयर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। और दो लेयर प्रोवाइड करेंगे आपको, दो लेयर प्रोवाइड करने की ऑन ईच फेस, ऑन ईच फेस, ठीक है। इस तरह से दो लेयर प्रोवाइड करनी होगी। बात समझ में आई। चलो एक पॉइंट और लिख लीजिए, एक पॉइंट और लिख लीजिए लास्ट में, क्या कवर, कवर कितना प्रोवाइड करेंगे। तो देखो कवर के बारे में आप एक पॉइंट लिख सकते हो कि आपका कवर जो होगा वो होगा 25 mm का, 25 mm का कवर होगा, और डाया इन दोनों में से जो बड़ा होगा, मेन डायमीटर की बात कर रहा हूं, जो इनमें से ग्रेटर होगा वो आपको प्रोवाइड करना होगा, जो ग्रेटर होगा वो आपको प्रोवाइड करना होगा। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर मान लीजिए, कुछ ऐसा केस बनता है, मान लीजिए अगर ऐसा केस बनता है कि आपके सी वाटर का केस है, या कोई हार्मफुल कंडीशन है, पानी जो है आपके आसपास का वो क्या है, खराब है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें जो है जो आपका कवर है 25 mm का, इसमें प्लस 12 mm एक्स्ट्रा बढ़ा देना। लेकिन ध्यान रखना, ये 12 mm जो आप एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हो ना, इसको कैलकुलेशन में नहीं लेना है। कैलकुलेशन में नहीं लेना का मतलब ये है कि मान लीजिए जब बढ़ाने की बात आएगी तो 12 mm बढ़ा दिया, लेकिन जब हम कैलकुलेशन करने जाएंगे मोमेंट्स की या लोड्स की जो भी है, वहां पर इस 12 mm को कंसीडर नहीं करेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, 12 mm को प्रोवाइड तो करना है, लेकिन कैलकुलेशन में, डिजाइनिंग में इसको हम क्या करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। बात समझ में आई है नहीं आई है? अरे बात समझ में आई है नहीं आई, क्या बोला है मैंने? अच्छा, मैंने ऊपर ये तो बताया नहीं, ऊपर वाले में आरबी वर्क में यहाँ पर भी कवर लिखवाना चाहिए था मुझे, मैंने कवर लिखवाया है, नहीं लिखवाया, इसमें भी लिख लो कवर। इसमें कवर कितना प्रोवाइड करेंगे, इसमें कवर होता है 15 mm का, और मेन डायमीटर है जो मेन डाया, इन दोनों में से जो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, उतना आपको कवर प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मामला था, ये क्या था, ये हमारा आरसीसी का लास्ट लेक्चर था, जहां हमने आरबी वर्क के बारे में पढ़ा है, वाटर टैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने पढ़ी है डिजाइनिंग पर्पज से, क्योंकि डिजाइनिंग जो है पूरी डिजाइनिंग तो आएगी नहीं, पेपर हमारा एमसीक्यू बेस्ड है, तो आएगा क्या, आएगा वो छोटी मोटी चीजें जो कोडल प्रोविजन से रिलेटेड होगी, या हम जो अज्यूम करते होंगे, या हमारा जो स्टेप्स फॉलो करते होंगे उनके बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये आपको क्या करना है, ये आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट बातें थी। तो वीडियो आपको कैसा लगा है ये आप कैसे बता सकते हैं, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं, या तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट नहीं कर सकते हैं आप तो लाइक कर सकते हैं, और लाइक भी नहीं कर सकते हैं तो फिर एक काम करना, डायरेक्ट मैसेज करके मुझे बता देना व्हाट्सएप पे कि सर वीडियो अच्छा था, पसंद आया, और लगता है कि हाँ कुछ इंप्रूवमेंट की आवश्यकता थी या कमी थी वीडियो में, तो भी आप मुझे मैसेज या कमेंट या कैसे भी अपना फीडबैक आप मुझे दे सकते हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट बस एक ही है कि मैं आपके लिए अगर कुछ एफर्ट लगा रहा हूँ, तो अपनी तरफ से आपको भी एक एफर्ट लगाना है। ये जो वीडियोज़ हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितना मतलब इन वीडियोस को व्यू आने चाहिए, जितना इन वीडियोस को मतलब पॉपुलर होना चाहिए, लोगों के पास पहुंचना चाहिए, उतना ये नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा जो काम चल रहा है वो ये इस बेसिस पर चल रहा है कि हम पूरा का पूरा कोर्स प्रोवाइड करें, ठीक है ना। वीडियोस जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं, कोई इसके लिए कोई अलग से चार्ज नहीं ले रहे हैं हम लोग। हाँ इतना ज़रूर है कि अगर आप अपनी खुद अपनी इच्छा से दान दक्षिणा करना चाहें, गुरु दक्षिणा के रूप में आप देना चाहें, या इस चैनल की ग्रोथ के लिए थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करना चाहें, तो हमारी तरफ से यह है कि आप पर्टिकुलर, जैसे आपने ये वीडियो देखा है, तो आप अगर कर सकते हैं तो 1 रुपये आप डोनेट कर सकते हैं। तो ये डोनेशन वाला सिस्टम है, मतलब वो नहीं है कि फोर्सफुली नहीं है कि आपको देना ही देना है, आप देंगे तो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, और नहीं देंगे तो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा तो सही में, लेकिन वही है कि अब पढ़ाने का जो लेवल है, जो क्वालिटीज़ हैं उनको थोड़ा हम इम्प्रूव कर पाएंगे। जो अब देखिए मैं जो चीज़ें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर मेरे पास थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होगी, तो हो सकता है मैं एक अच्छा सा कैमरा लेके आए, थोड़ा सेटअप और अच्छा कर लें, ठीक है। और हो सकता है, मतलब समझ रहे हो आप लोग कि क्वालिटी जो है उस क्वालिटी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं, अगर हमारे पास थोड़ा सा सिस्टम अच्छा हो, प्रॉपर वे में हो,
तो बहुत सारी चीजें जो हम कर सकते हैं मिलके करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। अगर आपको लगता हो कि मामला सही है तो 1 रुपया डोनेट कर सकते हैं, और बाकी मैं तो हूँ ही आपके साथ में, किसी भी प्रकार की कोई भी सेवा हो उसके लिए मैं हमेशा रेडी रहता हूँ। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन RCC के, और वो RCC के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट या वो जो वीडियो है वो कब मिलेगा, वो तब मिलेगा जब इस वीडियो पे कम से कम 1000 व्यू होंगे। अब 1000 व्यू कैसे आएंगे, कौन लेके आएगा, वो मुझे नहीं पता, वो आप जानो, आपका काम जाने। मेरा काम था पढ़ाने का, वो मैंने पढ़ा दिया, अब मेरा काम है क्वेश्चंस करवाने का, वो भी मैं करवाऊंगा, लेकिन अभी आपके लिए काम देके जा रहा हूँ होमवर्क, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, यही मेरी आपसे क्या है रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।